बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड के टॉपिक का आगाज किया था, जिसके अंदर हमने आपको करेक्टर फॉर्मेटिंग की डिटेल्स सिखाई थी। आज के लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग सिखाएंगे। दोस्तों आइए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पैराग्राफ का लफ्ज आमतौर पर आपने बहुत बार इस्तेमाल किया होगा, और ये होता क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस, यानी ये बहुत से सेंटेंसेस का मजमुआ होता है। बिल्कुल ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो पैराग्राफ का इस्तेमाल जरूर करते हैं। तो इन पैराग्राफ्स को लिखते हुए आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसी तस्वीर के अंदर सबसे पहली लाइन देखें तो जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है उसके स्टार्ट में आपको कुछ स्पेसेस नजर आएंगी, यानी ये बिल्कुल शुरू से स्टार्ट नहीं हो रहा बल्कि यहाँ पर आपको कुछ स्पेस दिख रही है। इसके अलावा ये दाएं जानिब से बिल्कुल सीध में है, यानी बिल्कुल अलाइंड है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के साथ ये तमाम टेक्स्ट लिखा हुआ है। पूरा पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये सब चीजें इसीलिए इसमें ऐड की हैं ताकि ये पैराग्राफ ना सिर्फ लोगों को समझ में आए बिल्कुल बल्कि खूबसूरत भी दिखे। तो इसके लिए एमएस वर्ड आपको कुछ फॉर्मेटिंग टूल्स प्रोवाइड करता है पैराग्राफ से रिलेटेड, जिनमें कुछ बेसिक टूल्स हैं, और उनमें सबसे पहला टूल है अलाइनमेंट, इसके बाद है इंडेंटेशन, और जो तीसरा बेसिक टूल है वो है स्पेसिंग। और कुछ और बेसिक टूल्स के अलावा भी टूल्स हैं, विच इज अ टैब स्टॉप टूल, और इसके बाद है बॉर्डर्स एंड शेडिंग। तो दोस्तों आइए इनको बारी बारी डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ सबसे पहले है अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट के माने होते हैं कि किसी भी चीज को सीध में रखना। अक्सर आप आमतौर पर अपनी कॉपी में कुछ भी लिखने से पहले लेफ्ट और राइट दोनों जानिब इस तरह की मार्जिन ड्रॉ करते हैं, इस तरह की लाइन ड्रॉ करते हैं। क्यों? ताकि आप जो भी लिखें वो बिल्कुल सीध में आए, और आपको और जो भी आपका ये डॉक्यूमेंट या फिर आपकी कॉपी देखेगा तो वो उसको नीट एंड क्लीन दिखेगा। ऐसे ही एमएस वर्ड में भी पैराग्राफ या फिर टेक्स्ट को सीध में रखने के लिए अलाइनमेंट के फीचर को यूज किया जाता है। यहाँ एमएस वर्ड आपको चार तरह की अलाइनमेंट प्रोवाइड करता है। नंबर वन इज लेफ्ट अलाइनमेंट। दोस्तों किसी भी सेंटेंस या फिर पैराग्राफ को दाएं जानिब से सीध में रखने के लिए लेफ्ट अलाइनमेंट को यूज किया जाता है। इसके बाद है राइट अलाइनमेंट का फीचर। दोस्तों किसी भी सेंटेंस या फिर पैराग्राफ को बाएं जानिब सीध में रखने के लिए, बाएं जानिब लाइन में रखने के लिए राइट अलाइनमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है सेंटर अलाइनमेंट। दोस्तों अक्सर आप हेडिंग वगैरह सेंटर में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो फीचर आपको वर्ड प्रोसेसर यानी एमएस वर्ड प्रोवाइड करता है वो कहलाता है सेंटर अलाइनमेंट। और आखिर में है जस्टिफाइड अलाइनमेंट। अगर आप दाएं, और ये जस्टिफाइड अलाइनमेंट क्या है, तो दोस्तों अगर आप दाएं और बाएं दोनों जानिब से अपने सेंटेंस या फिर पैराग्राफ को एक लाइन में रखना चाहते हैं तो इसके लिए जस्टिफाइड अलाइनमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था अलाइनमेंट। अब दोस्तों आइए हम आपको इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एमएस वर्ड 2016 में दिखाते हैं। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले मेन्यू बार में आपको होम नजर आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे मेन्यूज ओपन हो जाएंगे, जिनमें पहला बार है स्टैंडर्ड टूल बार, दूसरा बार है फॉन्ट बार, और जो तीसरा बार है वो कहलाता है पैराग्राफ बार। और ये पैराग्राफ बार के जरिए ही आप अपने डॉक्यूमेंट में मौजूद तमाम पैराग्राफ्स को फॉर्मेट कर सकते हैं इन तमाम ऑप्शंस को अप्लाई करते हुए। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अलाइनमेंट के माने में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अपने सेंटेंसेस को, अपने पैराग्राफ्स को अलाइन रखना, सीध में रखना। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट की, तो ये जो बटन है ये कहलाता है लेफ्ट अलाइनमेंट बटन, और इसको दबाते ही जब भी आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ये लेफ्ट अलाइन पर क्लिक करेंगे तो वो दाएं जानिब से सीध में आ जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही इसके बाद है राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट के मायने ये है कि जब भी आप किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद इस राइट अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका पैराग्राफ बाएं जानिब से सीध में आ जाएगा। अभी हम आपको ये करके भी दिखाते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने ये राइट अलाइनमेंट पर क्लिक कर दिया तो आप देखिएगा कि अब हमारा ये पैराग्राफ यहाँ से तो बिल्कुल लाइन में है, यानी राइट राइट साइड से बिल्कुल लाइन में है।
अब ये लेफ्ट जानिब से जो है यानी दाएं जानिब से अलाइंड नहीं है। तो याद रखिए लेफ्ट अलाइन के अंदर हमेशा दाएं जानिब से आपकी जो लाइन शुरू होंगी वो बिल्कुल दाएं जानिब से सीध में होंगी। ये देखिए अब हम लेफ्ट अलाइन इस पर अप्लाई करते हैं। हमने सबसे पहले इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने ये जो लेफ्ट अलाइन है इस पर क्लिक कर दिया। तो अब देखिए कि ये लेफ्ट अलाइन का फीचर आपके इस पैराग्राफ पर अप्लाई हो चुका है और आपका ये पैराग्राफ जो है ये दाएं जानिब से सीध में आ गया है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लेफ्ट अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट होती है, यानी जब भी आप अपने पैराग्राफ्स को टाइप करते हैं तो वो हमेशा लेफ्ट अलाइंड ही होंगे। इसके बाद जो तीसरा अलाइनमेंट है वो कहलाता है सेंटर अलाइन। दोस्तों अक्सर सेंटर अलाइंड में आपको अपनी हेडिंग्स वगैरह लिखनी होती है तो वो आप सेंटराइज्ड करते हैं, मतलब बीच में लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सेंटर अलाइन का फीचर आपको प्रोवाइड करता है। आप सबसे पहले जिस भी टेक्स्ट को, जिस भी पैराग्राफ को आपको सेंट्रली अलाइन करना है, बीच में लेकर आना है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप ये जो सेकंड बटन आपको नजर आ रहा है इस पर जब मैं कर्सर लेकर गई हूँ तो यहाँ पर सेंटर भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वो टेक्स्ट, आपका वो पैराग्राफ या फिर आपकी वो लाइन सेंट्रली अलाइंड हो जाएगी, बिल्कुल आपके डॉक्यूमेंट के दरमियान में आ जाएगी। इसके बाद जो चौथा अलाइनमेंट फीचर आपको एमएस वर्ड प्रोवाइड करता है वो है जस्टिफाइड अलाइनमेंट। दोस्तों जस्टिफाइड अलाइनमेंट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब आप लेफ्ट और राइट दोनों जानिब से अपने पैराग्राफ को अलाइंड करना चाहते हैं, सीध में लाना चाहते हैं, क्योंकि लेफ्ट के अंदर तो हमेशा यहाँ से सीध में होगा और राइट के अंदर हमेशा यहाँ से सीध में होगा और यहाँ से आगे पीछे होगा, लेकिन जस्टिफाइड अलाइनमेंट में जब आप दोनों जानिब से जब अपने पैराग्राफ को सीध में लाना चाहते हैं, लाइन में लाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप इस वाले बटन को जो कि सबसे आखिर में आपको नजर आ रहा है जिसके ऊपर जस्टिफाई भी लिखा हुआ है, जब आप इसका अपना कर्सर यहाँ पर लेकर गए हैं, अब आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि आपका जो पैराग्राफ है वो यहाँ से भी अलाइंड हो गया है और यहाँ से भी अलाइंड हो गया है, और क्योंकि यहाँ पर तो पैराग्राफ एंड हो गया है तो यहाँ से ये एंड हो गया है, विच मीन्स के आगे कोई लाइन मौजूद नहीं है, तो जहां तक ये अलाइन कर सकता था इसने इसको यहाँ तक अलाइन किया है, विच मीन्स कि लेफ्ट अलाइनमेंट की मदद से आप अपने पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन करेंगे, दाएं जानिब से सीध में लेकर आएंगे, राइट अलाइनमेंट की मदद से आप अपने पैराग्राफ को बाएं जानिब से सीध में लाएंगे, सेंटर अलाइन की मदद से आप अपने पैराग्राफ को बीच में ले आएंगे डॉक्यूमेंट के, और जस्टिफाई की मदद से बोथ जानिब यानी लेफ्ट और राइट दोनों जानिब आप इसको सीध में ले आएंगे। और दोस्तों एक और अहम बात, अभी तो आपने किसी भी चीज को सिलेक्ट करके उसके ऊपर ये अलाइनमेंट लगाई है, इसके अलावा बिना सिलेक्ट किए अगर आप कोई चीज स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई हेडिंग लिखना चाह रहे हैं, अभी आपने वो लिखी नहीं है, तो आप जो भी चीज सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने सेंट्रल अलाइन सिलेक्ट किया है, तो आप देखिएगा कि अब मेरा कर्सर सेंटर पे आया हुआ है, यानी अब मैं जो भी चीज लिखूंगी वो सेंट्रली स्टार्ट होगी। इसी तरीके से अगर मैं लेफ्ट पर क्लिक करती हूँ, सॉरी अब ये लेफ्ट अलाइंड हुआ हुआ है, अब अगर मैं अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को लिखने से पहले अगर मैं सबसे पहले हेडिंग डाल रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी हेडिंग जो है वो इन बिटवीन द डॉक्यूमेंट हो, तो मैं उसको लिखने से पहले ही अलाइनमेंट स्पेसिफाई कर दूंगी, यानी बिना सिलेक्ट किए अगर स्पेसिफाई करूंगी, तो देखिए अब आप ये देख सकते हैं कि मेरा जो कर्सर है वो बिल्कुल सेंटर में आ गया है, और मैं जो भी चीज लिखना शुरू करूंगी तो वो सेंटर से ही स्टार्ट होगी। इसी तरीके से अगर मैं राइट अलाइनमेंट पर क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं कि मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली राइट साइड पे चला गया है, बाएं जाने चला गया है, और आमतौर पर हम डेट्स वगैरह जो हैं वो बाएं जाने लिखते हैं, तो आप इस तरीके से अपनी डेट्स वगैरह स्पेसिफाई कर सकते हैं। और अगर आप लेफ्ट जाने चाहते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, तो आपका कर्सर यहाँ पहले से लेफ्ट जाने खुद ही आ जाएगा और आप जो भी पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करेंगे वो फिर दाएं जानिब से ही स्टार्ट होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी पैराग्राफ को लिखने से पहले भी अलाइनमेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं और किसी भी पैराग्राफ को लिखने के बाद भी उसको सिलेक्ट करके अलाइनमेंट को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आपको एमएस वर्ड प्रोवाइड करता है, इंडेंटेशन। दोस्तों इंडेंटेशन के मानी होते हैं कि आप जो भी पैराग्राफ टाइप करने जा रहे हैं वो मार्जिन से कितना दूर होगा, कितने फासले पर होगा लेफ्ट और राइट दोनों जानिब से, तो ये कहलाता है इंडेंटेशन। दोस्तों अगर आप इस तस्वीर में भी देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो
इनकी स्पेस जो है वो स्पेसिफाइड है, मतलब ये राइट जानिब से राइट लेफ्ट अलाइंड हुए हैं, तो ये बिल्कुल सीध में आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है ये इन पैराग्राफ से आपको डिफरेंट नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इंडेंटेशन अप्लाई की गई है। तो आइए हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट में मौजूद किसी भी पैराग्राफ पर किस तरह से इंडेंटेशन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो आपको पैराग्राफ के ये सेकंड फीचर प्रोवाइड करता है विच इज कॉल्ड इंडेंटेशन, और इंडेंटेशन के मानी है कि आपका वर्ड डॉक्यूमेंट मार्जिन से, यानी आप जो भी टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करेंगे, जो भी पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करेंगे, वो मार्जिन से कितने फासले पर होगा। दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट आपको नजर आ रहा है ये जो इसके बॉर्डर्स हैं ये कहलाते हैं मार्जिन्स, और मार्जिन से आपका जो पैराग्राफ है वो कितने फासले से स्टार्ट हो रहा है ये कहलाती है इंडेंटेशन। तो दोस्तों आपको ये रूलर बार भी नजर आ रहा है जो कि आपको लेफ्ट और राइट इंडेंट के बारे में बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर जब कर्सर को लेकर जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है लेफ्ट इंडेंट, विच मीन्स के आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपका जो डॉक्यूमेंट स्टार्ट होगा वो इतने फासले से, मार्जिन से इतने फासले से स्टार्ट होगा दाएं जानिब से, इसी तरीके से बाएं जानिब से इतने फासले पर स्टार्ट होगा। तो ये दोनों चीजें कहलाती हैं इंडेंटेशन। दोस्तों आप इसको खुद भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर पैराग्राफ के नीचे आपको एक छोटा सा बटन नजर आ रहा है पैराग्राफ सेटिंग के नाम से, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब आप इस विंडो के जरिए, और यहाँ पर आपको एक सेकंड ऑप्शन नजर आ रहा है इंडेंटेशन का, तो आप लेफ्ट और राइट दोनों जानिब डिस्टेंस आप खुद से भी यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप डिस्टेंस स्पेसिफाई करते जाएंगे आपको यहाँ पर प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि अब आप जो टेक्स्ट लिखना शुरू करेंगे वो इतने फासले से स्टार्ट होगा। इस तरीके से राइट जानिब से भी आप देखिएगा, ये देखिए जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे इंडेंटेशन तो आपका राइट जानिब से, तो राइट जानिब से भी ये आपको बताएगा कि आपकी मार्जिन से लेकर और राइट इंडेंट तक कितना फासला होगा, कहां तक आपको आपका पैराग्राफ नजर आएगा। इसके बाद अगर आप किसी भी पहले से मौजूद पैराग्राफ पर इंडेंटेशन करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप बिल्कुल ऐसे ही इसी बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पैराग्राफ विंडो ओपन हो जाएगी। आप उस पर भी लेफ्ट और राइट इंडेंटेशन अप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा जैसे जैसे आप लेफ्ट इंडेंटेशन को बढ़ाते जाएंगे तो लेफ्ट जानिब से स्पेस भी बढ़ता जाएगा। ये देखिए ये प्रीव्यू में आपको नजर आएगी अब स्पेस बढ़ती हुई, और जब आप राइट जानिब से इंडेंटेशन को इंक्रीज करेंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको राइट जानिब से भी यहाँ पर स्पेस आपको नजर आता जाएगा। ये देखिए ये राइट जानिब से भी स्पेस आ गया है, विच मीन्स कि आप खुद भी इंडेंटेशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा कोई पहले से मौजूद स्पेशल इंडेंटेशन करना चाहते हैं, दोस्तों अक्सर आपने अखबारों में देखा होगा कि आपकी जो पहली लाइन होती है वो कुछ स्पेस के बाद स्टार्ट होती है और बाकी लाइनें इसी तरीके से रहती हैं, तो आप उसके लिए जो फीचर यहाँ पर आपको वर्ड प्रोवाइड करता है ये है फर्स्ट लाइन का। अब आप देखिएगा जैसे ही आप इस फर्स्ट लाइन पर क्लिक करेंगे तो ये जो पहली लाइन होगी ये कुछ स्पेस से स्टार्ट होगी और बाकी लाइंस वैसे ही पुरानी इंडेंटेशन जो उन पर अप्लाई हुई भी होगी उनसे होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैंने इस बटन पर क्लिक किया विच इज अ पैराग्राफ सेटिंग। इसके बाद अब मैं जो हूँ वो इस पर अब मैं इसके ऊपर फर्स्ट लाइन अप्लाई करूंगी तो आप देखिएगा कि आपको प्रीव्यू में भी पहली लाइन जो है वो कुछ स्पेस के बाद नजर आएगी और बाकी लाइंस की जो इंडेंटेशन होगी वो ही उस पर अप्लाई हुई भी होगी। ये देखिए तो ये पहली लाइन की कुछ स्पेस आ गई है और बाकी लाइंस जो है वो उसी स्पेस से जो कि इंडेंटेड होगी, जो कि पहले से स्पेसिफाई होंगी, वहीं से शुरू हो रही है। इसके बाद जो उसका दूसरा ऑप्शन है वो कहलाता है हैंगिंग का, और हैंगिंग के जरिए पहली लाइन की जो इंडेंटेशन होगी वो तो वही होगी जो कि आपने स्पेसिफाई की होगी यहाँ पर, लेकिन बाकी लाइंस जो हैं वो कुछ स्पेस के बाद आपको नजर आ रही होंगी, तो ये जो फीचर है ये कहलाता है हैंगिंग का। और अगर आप कुछ भी आप इसके ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप सिंपल नन कर देंगे तो जैसा आपका पैराग्राफ होगा ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो दोस्तों ये चीज कहलाती है इंडेंटेशन, जिसके अंदर आप ये स्पेसिफाई करते हैं कि आप मार्जिन से कितना दूर अपने पैराग्राफ्स को स्टार्ट करना चाहते हैं लेफ्ट और राइट दोनों जानिब से। इसके बाद जो तीसरा फीचर फॉर्मेटिंग के लिहाज से आपको एमएस वर्ड प्रोवाइड करता है ये है स्पेसिंग। दोस्तों
स्पेसिंग मींस यहाँ ये है कि दो पैराग्राफ्स के दरमियान कितना फासला होना चाहिए, या फिर पैराग्राफ में मौजूद दो लाइंस के दरमियान कितना फासला होना चाहिए, तो ये चीज कहलाती है स्पेसिंग। और आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ्स के दरमियान स्पेसिंग किस तरह स्पेसिफाई कर सकते हैं, आइए हम आपको प्रैक्टिस। दोस्तों स्पेसिंग के माने होते हैं, स्पेसिंग में दो चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है एमएस वर्ड की तरफ से। पहली चीज कि आप दो पैराग्राफ्स के दरमियान कितना स्पेस डालना चाहते हैं, कितना फासला रखना चाहते हैं ऊपर और नीचे की जानिब, ये चीज स्पेसिंग में आपको प्रोवाइड की जाती है। और दूसरी चीज के एक पैराग्राफ में मौजूद लाइंस के दरमियान, अगर आप इस पैराग्राफ को देखें तो यहाँ पर आपको तीन लाइनें नजर आ रही हैं, एक ये लाइन, दूसरी ये लाइन और तीसरी ये लाइन, तो इन लाइंस के दरमियान आप कितना फासला रखना चाहते हैं, ये चीज भी आपकी स्पेसिंग के अंदर आपको प्रोवाइड की जाती है एमएस वर्ड की तरफ से। अब हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर की जानिब, यानी इसका जो ऊपर की जानिब स्पेस है वो बढ़ जाए, तो आप इसके लिए सिंपल यहाँ पर जाएंगे पैराग्राफ सेटिंग में, और पैराग्राफ सेटिंग में आपको इंडेंटेशन के नीचे एक और बार नजर आ रहा होगा स्पेसिंग का, तो जब आप इसको बिफोर के ऊपर क्लिक करेंगे और बिफोर के आगे आपको मेन्यू टाइप नजर आ रहा होगा ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज करते जाएंगे तो आप देखिएगा यहाँ प्रीव्यू में कि आपके पैराग्राफ के ऊपर जानिब स्पेस बढ़ती जा रही है, यानी एक पैराग्राफ के से दूसरे पैराग्राफ के दरमियान जो ऊपरी स्पेस है, अगर हमने इस पैराग्राफ को स्पेसिफाई किया है, सिलेक्ट किया है, तो इसके ऊपर जितनी स्पेस है वो इंक्रीज होती जाएगी। और अगर आफ्टर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जैसे जैसे आप इसके स्पेस बढ़ाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस पैराग्राफ से इस पैराग्राफ के दरमियान स्पेस बढ़ती जाएगी, और अगर आप उसको कम करना चाहते हैं तो आप इस पे डिक्रीज वाले पर क्लिक करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये डिक्रीज होती जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी दो पैराग्राफ्स के दरमियान स्पेस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अभी हमने बिफोर पर क्लिक करके उसके अंदर स्पेस बढ़ाई थी, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों पैराग्राफ्स के दरमियान जितनी हमने स्पेस इंक्रीज की थी वो इंक्रीज हो चुकी है, बहुत फासला इनके दरमियान बढ़ चुका है। अब बारी आती है लाइन स्पेसिंग की, यानी आप एक पैराग्राफ में मौजूद दो या फिर तमाम लाइनों के दरमियान जितना भी फासला रखना चाहते हैं वो चीज कहलाती है लाइन स्पेसिंग। आपको सिंपल पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आप इसी पैराग्राफ सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर थर्ड बार आपको स्पेसिंग का नजर आ रहा है। तो पहली चीज तो थी बिफोर और आफ्टर स्पेसिंग, जो कि मैंने आपको समझा दी है। अब दूसरी चीज है लाइन स्पेसिंग। तो दोस्तों लाइन स्पेसिंग में आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू नजर आ रहा है जिसमें सबसे टॉप पर लिखा हुआ है सिंगल। सिंगल मीन्स के आपके पैराग्राफ में मौजूद लाइंस के दरमियान सिंगल स्पेस होगी। अब जब हम और क्योंकि अभी जो है ये सिंगल स्पेसिंग ही हुई हुई है, यानी एक ही लाइन की स्पेस आई हुई है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप 1.5 लाइंस भी कर सकते हैं, डबल करेंगे तो उससे ज्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको डबल करके दिखाती हूँ। अब आप देखिएगा मैंने डबल पे क्लिक किया तो आप ये देखिए प्रीव्यू में आपको नजर आ जाएगा कि इन दोनों के दरमियान दो लाइनों की स्पेस आ गई है। इसी तरीके से अगर आप 1.5 करेंगे तो ये स्पेस थोड़ी सी कम होगी, और इसी तरह अगर आप मल्टीपल करेंगे तो ये स्पेस और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आप अपने मतलूबा काम के मुताबिक जितनी स्पेस आप चाहते हैं वो आप इन लाइन स्पेसिंग के जरिए आप अपने पैराग्राफ्स की लाइंस के दरमियान स्पेस इंक्रीज कर सकते हैं। अब मैंने डबल पे क्लिक करके ओके करूंगी तो आप देखिएगा कि इस पैराग्राफ में कितनी स्पेस ऐड हो गई है लाइंस के दरमियान। दोस्तों ये देखिए अब यहाँ पर दो दो लाइंस की स्पेस आपके पैराग्राफ में, आप पैराग्राफ की लाइंस के दरमियान आपको नजर आ रही है। तो इस तरह से आप अपने पैराग्राफ के अंदर मौजूद लाइंस और दो पैराग्राफ्स के दरमियान स्पेस को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं इस स्पेसिंग फीचर के थ्रू। दोस्तों अभी तक जो हमने टूल्स पढ़े हैं वो सब बेसिक टूल्स थे जो कि किसी भी पैराग्राफ को लिखते वक्त या लिखने के बाद आपको अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ टूल्स हैं जो कि आपको एमएस वर्ड प्रोवाइड करता है, विच इज अ टैब स्टॉप जो कि इंडेंटेशन से ही रिलेटेड होता है। इसके अलावा बॉर्डर्स एंड शेडिंग जो कि आपके पैराग्राफ की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों टैब स्टॉप के अंदर क्या होता है कि आप अपने कीबोर्ड पर मौजूद टैब की के जरिए भी इंडेंटेशंस को अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। आप सिंपल जब भी अपने कीबोर्ड पर मौजूद टैब की को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कर्सर जो है उसकी इंडेंटेशन लेफ्ट जानिब से इंक्रीज हो गई है,
इसी तरीके से अगर आप इसको डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड पर मौजूद बैकस्पेस की को दबा के इस इंडेंटेशन को डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ कीज थी जिनके जरिए आप इंडेंटेशन को बढ़ा और घटा सकते हैं। इसके अलावा आपको ये दो ऑप्शंस भी नजर आ रहे हैं टॉप पर, इसके जरिए भी आप इंडेंटेशन को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों इंडेंटेशन के बाद जो दूसरी आपको फॉर्मेटिंग टूल आपको प्रोवाइड किया जाता है एमएस वर्ड की तरफ से, वो है बॉर्डर्स एंड शेडिंग। बॉर्डर्स के मीनिंग्स ये है कि आप सिंपल बॉर्डर के मानी यही है कि आप अपने पैराग्राफ को अगर इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कुछ और चीजें इस पर अप्लाई करना चाहते हैं, कोई बॉर्डर में इसको रखना चाहते हैं तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिंपल पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ये बॉक्स नुमा टूल नजर आ रहा है जिसके ऊपर आप कर्सर लेकर जाएंगे तो आपको बॉर्डर भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बोलेगा कि मजीद ऑप्शंस देगा कि आप बॉटम में बॉर्डर लाना चाहते हैं, टॉप पे लाना चाहते हैं। और देखिएगा कि जैसे जैसे मैं कर्सर इनके पास लेके जाऊंगी तो मेरे पैराग्राफ पर वो मुझे दिखाता भी रहेगा कि आपका अगर आप लेफ्ट चूज करेंगे बॉर्डर तो इस तरह का बॉर्डर आपको नजर आएगा, राइट पर इस तरह का बॉर्डर होगा। इसके अलावा आपको सबसे नीचे बॉर्डर्स एंड शेडिंग का एक ऑप्शन भी नजर आ रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अलग अलग तरह के डिजाइनिंग के बॉर्डर्स भी अपने पेज के अंदर डाल सकते हैं। और दोस्तों शेडिंग के जरिए यहाँ पर आप शेडिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके वर्ड्स के अंदर जो भी पैराग्राफ में वर्ड्स होंगे उनके अंदर ये अलग अलग तरह की अलग अलग रेंज की शेडिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको चूज किया है और अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है तो आप देखिएगा कि इसका शेड इन दूसरों से थोड़ा डिफरेंट है, कि ग्रेइश सा हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अलग अलग तरह के बॉर्डर्स को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर मजीद कुछ कलरिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया हुआ है, जो पैराग्राफ, उसका कलर कुछ और कलर हो, आप कलर को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप इस तरह से चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ फॉर्मेटिंग टूल्स जो कि आपको पैराग्राफ के लिए एमएस वर्ड प्रोवाइड करता है। अगले लेक्चर में हम पेज फॉर्मेटिंग सीखेंगे, यानी आप एक पेज को किस तरह फॉर्मेट कर सकते हैं जिसमें हम आपको हेडर, फुटर, पेज नंबर वगैरह इंसर्ट करना सिखाएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।